कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद राजकुमार सैनी पर हमला करवाने की घटना के विरोध में लोकतंत्र सुरक्षा मंच के बैनर तले पूर्व विधायक रोशनलाल आर्य की अगुवाई में शहर में एक विरोध प्रदर्शन किया गया। जवाहर पार्क से एक जुलूस नारेबाजी करता हुआ लघु सचिवालय पहुंचा, जहां देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया गया। पूर्व विधायक रोशनलाल आर्य ने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद राजकुमार सैनी पर कुछ जातीय मानसिकता के लोगों ने हमला करवाया है, जिसकी यहाँ चारों ओर घोर निंदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सांसद पर हमला करने वाले युवक पेशेवर अपराधी किस्म के लोग हैं और उनकी जो पृष्ठभूमि है वो आपराधिक साबित हो चुकी है, क्योंकि 15-15, 20-20 बार उन्होंने अपने मोबाइल चेंज किए और उनके कईयों के ऊपर वो मुकदमे भी दर्ज हैं जो आपराधिक मामले दर्ज हैं। हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि राजकुमार सैनी के ऊपर क्योंकि निशाना बांधा गया है तो उनको Z+ सुरक्षा दी जाए और उनको लोकतंत्र के अंदर जो मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत है, वो भारत की सबसे बड़े पंचायत के सदस्य हैं। जिस प्रकार से पहले कुछ पाकिस्तान के लोगों ने या उग्रवादियों ने पार्लियामेंट पर अटैक किया था, उसकी निंदा की गई थी, आज पूरे भारत में इस बात की निंदा की जा रही है कि कुरुक्षेत्र जैसे ऐतिहासिक स्थान के सांसद राजकुमार सैनी पर हमला किया गया। तो हम इसलिए आए हैं कि एक तो इसके पीछे साजिश क्या है उसका पर्दाफाश हो, भविष्य में ऐसी घटना ना दोहराई जाए, ये इसका प्रबंध किया जाए। कैथल से जाट टीवी न्यूज के लिए नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट।